पूरे देश के अध्यापक दिवस मनाया जा रहा है। समाणा के अज अध्यापक दिवस के मौके पर पंजाब के लोग संपर्क मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने अध्यापकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अध्यापक जो शिक्षा देता है उसकी बदौलत ही हर इंसान को जिंदगी दे एक कामयाबी मिलती है। बिना अध्यापक के इंसान की जिंदगी अधूरी है और अध्यापक का सम्मान करना साडा सब का फर्ज है। अध्यापक की शिक्षा नाल ही बच्चा जिंदगी दे विच कामयाब हुंदा है और जिहड़ी मैं अज कामयाबी मंत्री पढ़ते भी हाँ तां भी एक मेरे अध्यापक की जिहड़ी मैनूं शिक्षा दी गई उसकी बदौलत मैं इत्थे पहुंचा है। इस मौके पर उन्होंने अध्यापकों को सम्मान किया। सब तो पहला मैं इस टीचर डे ते सारे साडे सत्कारयोग टीचरां नूं जिन्हें भी है शिक्षक ने सारे बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। जे सही मायने च मनीए तो देश का निर्माता है जो वो टीचर ने, क्योंकि उन्होंने समाज में बनाने वाले वो बच्चे पैदा करने ने जिन्होंने अगे जा के उन्होंने बड़े बड़े अहदों पर किसी ने डीसी बनना, किसी ने SSP बनना, किसी ने जज बनना, किसी ने डॉक्टर बनना, किसी ने साइंसदान बनना। सो इस करके अज का दिन साडे वास्ते बहुत महत्वपूर्ण है, साडे वास्ते नहीं बच्चों वास्ते भी, जिहड़े बच्चे इत्थों पढ़ाई करके जिन्हां ने अगे बढ़ना। सो इस करके अज का दिन साडा फर्ज बनता है कि असी इस दिन ते टीचरां दा सन्मान करिए और उन्हां नूं बधाई दईए। देखो एजुकेशन ते तां 117 एमएन स्कूल असी बना रहे हैंगे, उहदे नाल ही होर भी बहुत कुछ है जिहड़ा असी बनाउण जा रहे हां। सानूं उम्मीद है कि आ जिहड़े प्लान है इहदे विच असी एजुकेशन दे विच बहुत वड्डा काम आ, एजुकेशन और हैल्थ दे विच बहुत वड्डा काम आ जिहड़ा करांगे। नहीं कोई किसी ना कोई निजी दुश्मनी नहीं है। सो सरकार तो चाहती है बिल्कुल इमानदारी नाल जिहड़ा काम किया जाए वो कोई भी इदां दा केस आड़े नहीं आऊगा। जे कोई कहे भी उधर कार्रवाई है उधर नहीं हुई, साढ़े CM साहब हर एक नूं इक निगाह नाल देखते हैं और जिथे जिहड़ा भी कोई गलत है उत्थे एक्शन है जिहड़ा लैणा वा। जिहड़े मैं मानदा कि कुछ जिहड़े कच्चे ने वो धरने देंदे ने, पर जिहड़े पक्के हो गए जिन्हां ने करोड़ों रुपये अरबों रुपये की प्रॉपर्टी बना ली वो भी धरने दे जांदे ने, ये कित्थे दी जिहड़ी जायज़ गल है। सो असी तां चाहुंदे आ कि किसी नूं धरना देने की लोड़ ही ना पवे, पर हजे 1.5 साल होया, 1.5 साल के 31-32 हज़ार जिहड़े बच्चे ने उन्हां नौकरियां दित्तियां ने, कच्चे कामें पक्के किए ने। थोड़ा मौका तो देना, असी तां सारा कुछ ही करना चाहुंदे जो पिछले लंबे समय तो किसी ने वाह ही नहीं फड़ी है, पर ये पहली सरकार आई है जिहड़ी आम पब्लिक दे हित लई जिहड़ा काम कर रही है। पहला तो मैं अज साडे टीचरां नूं प्रिंसीपल साहब नूं दोनों स्कूलों असी सम्मान समारोह रखिया उन्हों का, क्योंकि एक टीचर ऐसी चीज़ है जिहड़ा बच्चे नूं जिस तरह का सीखूगा वड्डे होके इन्हां बच्चों चों ही कोई IAS बनता, कोई PCS बनता, कोई डॉक्टर बनता। इस करके मेरा मन से भी मैं सारे टीचरों का सम्मान करा, इस करके मैं मंत्री साहब को बेनती की चेतन जोड़ामाजरा जी उन्होंने कल्ले कल्ले टीचर का हौसला दिलाने वास्ते, क्योंकि उन्होंने हलका अपना उन्होंने स्कूल भी अपना ही है। इस करके मैं चेतन जोड़ामाजरा जी का धन्यवाद करदा, सरदार भगवंत मान जी का धन्यवाद भी करदा। आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पर मैं सभी देश के जितने भी टीचर साहिबान हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और इस बार का फख्र महसूस करता हूँ कि मैं भी एक टीचर हूँ और मेरे जो सभी चाहे बच्चे हैं, चाहे मेरे रिलेटिव्स हैं, चाहे मेरे जो पिलर टीचर रहे हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं तो ये सीख दूँगा कि हमें ज़िंदगी में चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा है, कोई भी चाहे वो एल्डर है चाहे वो छोटा बच्चा है, उन सब से सीख लेनी चाहिए। मैं प्रतिदिन किसी ना किसी कोई ना कोई एक सीख लेता हूँ, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो मेरे जो है बुज़ुर्ग हैं। जो अपने बुज़ुर्ग हैं उन्होंने सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो, क्योंकि हमारे माता पिता हैं, वो हमारे सबसे पहली जो है टीचर ने, वो भी हमारे अध्यापक भी हैं, कि चाहे वो छोटा बच्चा है वो भी हमारे अध्यापक हैं। तो इसलिए हमें सारी दुनिया एक दूसरे को सीख देती है और वो सारे एक दूसरे टीचर का सम्मान होता है तो कुछ कैसे महसूस होता है? जब एक किसी अध्यापक का सम्मान होता है तो वो फख्र महसूस करता है कि सबसे पहला सम्मान तो यही होता है कि उधर बच्चे पढ़ लिख कर कहीं अच्छी जगह चले जाएँ, अच्छी जगह पोस्टेड हो, तो वो सबसे ज़्यादा फख्र उस दिन महसूस करता है। सम्मान मिल जाए सरकार वालों हो चाहे किसी एजेंसी वालों को इस बच्चे टीचर को सम्मान किया जाता है, तो वह महसूस करता है कि हाँ उसके अंदर जो है एक नया पोटेंशियल डेवलप होता है, ताकि वो ये आगे ये सोचता है कि मैं और भी मेहनत करूँगा और जो है वो मोटिवेट होते हैं। अध्यापक दिवस अध्यापकों को समर्पित है, इस तरह के उपलक्ष्यों से अध्यापकों का हौसला और बढ़ता है और कार्य करने की क्षमता में थोड़ी एनर्जी और बढ़ जाती है। हम इस स्फूर्ति प्रदान करने वाले आयोजन के लिए पूरी मैनेजमेंट कमेटी और सरदार चेतन सिंह जी जोड़ामाजरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भविष्य के निर्माता
अध्यापकों को, सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। जब एक टीचर का पढ़ाया बच्चा उस पद पर पहुंचता है, उस टाइम कैसा महसूस? माता पिता से ज़्यादा मान महसूस होता है जी। हमें लगता है हमारे 10 बच्चों में से अगर एक भी बच्चा ऐसी उपलब्धि हासिल करता है तो हम उस चीज़ को कभी भी वर्ड्स में या एक्शंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट हमारी खुशी बच्चों के माता पिता से भी ज़्यादा होती है। बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं जी। असीं जदों किसी टीचर नूं इक सन्मान मिलता है तो वह टीचर दुनिया का सब तो वड्डा सन्मान हुंदा है, क्योंकि सारे साल दे विच आपां बच्चों नूं मेहनत कराने और रिजल्ट लैने हैं। ठीक है जी, जदों असीं हमेशा काम करते हैं और साढ़े लिए सिर्फ एक दिन ही होंगे जिहड़ा श्री राधा कृष्ण जी दे करके सानू सम्मान दिता जाता है, तो असं इस दिन लिए बहुत ज़्यादा अपने आप से प्राउड फील करते हैं कि असं एक टीचर हाँ, कि असं अपने बच्चों एक अच्छा भविष्य देने वास्ते बहुत वधिया काम कर रहे हैं। असी सेवा है, साड़ी सेवा है बच्चों के लिए, सो असं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं इस दिन। कैमरामैन बीके गर्ग के नाल पुरशोत्तम कौशिक, समाणा न्यूज़।